बैडमिंटन कोर्ट पर देश और दुनिया के खिलाड़ी जिस शटल कॉक से अपना गेम दिखाते हैं, वो शटल कॉक यूपी के मेरठ शहर की शान है। यहाँ के शटल कॉक की डिमांड बहुत दूर दूर तक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा समेत देश भर में यहाँ के शटल कॉक की भारी मांग रहती है। मेरठ में इसका कारोबार करीब 5 से 6 करोड़ रुपए सालाना का है। शहर में सूरज कुंड और अब्दुल्लापुर में शटल कॉक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। शटल कॉक बनाने में मुर्गी के पंखों का यूज होता है, जो कर्नाटक से मंगाए जाते हैं। बता दें कि इंटरनेशनल मैचेस में जो शटल कॉक यूज होती है, वह बतख के पंखों से बनाई जाती है। देश में स्पोर्ट्स के आइटम में मेरठ की खास पहचान है। मेरठ के बैट से जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो मेरठ की शटल कॉक है, इसका भी देश के कई कई हिस्सों में सप्लाई होती है और इसका भी खासा बिजनेस मेरठ में देखा समझा जाता है। हमारे साथ थोक विक्रेता कपिल जी हैं। कपिल, जरा ये बताइए कि मेरठ की जो शटल कॉक है जो आप लोग बनाते हैं, इसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और कहाँ कहाँ करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में कहाँ कहाँ जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी, हर इंडिया में हर जगह सप्लाई होती है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में सब जगह सप्लाई होती है। सबसे ज्यादा सप्लाई कहाँ, सबसे ज्यादा मांग कहाँ से आती है? महाराष्ट्र, बिहार, बिहार और महाराष्ट्र। मेरठ में कई हजार कारीगर शटल कॉक बनाने के काम में लगे हैं और अपने हुनर से मेरठ को देश और दुनिया में पहचान दे रहे हैं।